स्वागत है आप सभी का NFNet क्लास में। आज हम कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन के लिए फिर से प्रीवियस ईयर PYQs करने वाले हैं, जो कि सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एंड कंपाइलर डिज़ाइन। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस होंगे उन पर हम डिस्कशन रखेंगे। ये जो सेशन है वो प्रीवियस ईयर जो कि ईयर है दिसंबर 2018 से रिलेटेड है। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखते हैं और उन्हें सॉल्व करते हैं, और किस टाइप से पूछे गए थे उस पर भी हम ध्यान देंगे। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो हम लोग को पूछा गया है कि ग्रामर से रिलेटेड है, ठीक है, लैंग्वेज से रिलेटेड है बेसिकली। और वहाँ पर हमें पूछा गया है कि कौन सा सही है उसकी बात कर रहा है। तो जैसे कि पहला हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या बोल रहा है कि कंसिडर आर बी आ एनी रेगुलर लैंग्वेज। जो आर है, जो ये आर है, वो डिनोट कर रहा है किसको, रेगुलर लैंग्वेज को डिनोट कर रहा है। एंड L1 एंड L2 दो लैंग्वेज दिया गया है, L1 और L2, जो क्या है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, ठीक है। पहले से आपको बता दिया गया है R जो है वो रेगुलर लैंग्वेज है, L1 L2 जो है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। तो कौन सा इनमें से करेक्ट है बोल रहा है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम एलिमिनेट वाला ऑप्शन करते हैं। हमारे पास आपको याद होगा, एक मैंने इससे पहले वाले में भी बोला था, क्लोजर प्रॉपर्टी का एक टेबल होता है, ठीक है, चार्ट होता है, जिसमें हमें उन सभी को याद रखना है कि कौन किसके क्लोज्ड में है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो वो हमें पता होना चाहिए, सबसे पहले तो वो चार्ट आपको याद होना चाहिए, और उसके थ्रू ही आप क्या कर सकते हो, इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। बहुत इजी है, जैसा कि उस चार्ट में हमें पता है कि कोई भी जो लैंग्वेज है, यहाँ क्या बोल रहा है, L1 की बात की गई है, मतलब ये L1 का कॉम्प्लीमेंट है, L1 की बात की गई है। L1 क्या है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज जो L1 है उसका कॉम्प्लीमेंट क्या कॉन्टेक्स्ट फ्री होगा, पहला ऑप्शन, क्लियर। तो चार्ट में आपको याद होगा कि वहाँ पर हमने देखा है जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो क्लोज्ड नहीं होता है किसके लिए, CFL के लिए, मतलब कि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के लिए जो कॉम्प्लीमेंट वाला रूल है, ठीक है, वो क्लोज्ड नहीं होता है। कॉम्प्लीमेंट मतलब कि ये जो डैश, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, ये ट्रू नहीं होगा, क्योंकि इसने क्या बोला है, L1 जो डैश है इस कॉन्टेक्स्ट फ्री, तो वो कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि वो क्लोज्ड नहीं होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। सेकेंड चीज़ हम देखते हैं, L1 इंटरसेक्शन L2 इज कॉन्टेक्स्ट फ्री। अब L1 और L2 क्या है, क्वेश्चन में हमें बता दिया कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, दोनों का इंटरसेक्शन क्या कॉन्टेक्स्ट फ्री होगा, तो कॉन्टेक्स्ट फ्री में तो इंटरसेक्शन क्लोज्ड होता ही नहीं है, ठीक है, तो वो भी चार्ट से हमें यहाँ पता चला, तो इसका भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, सही नहीं बोल रहा है। देन थर्ड को देखते हैं, थर्ड एक बार देख, सॉरी फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, फिर थर्ड पे चलते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, L1 यूनियन L2 की बात किया है सबसे पहले, तो उसके बाद फिर कॉम्प्लीमेंट है। तो देखो L1 L2 दोनों कॉन्टेक्स्ट फ्री है, दोनों का यूनियन क्या होता है, क्लोज्ड होता है, वो क्या होते हैं, कॉन्टेक्स्ट फ्री होते हैं, ठीक है। मतलब L1 का यूनियन L2 हम करेंगे तो ये क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट फ्री होता है। पर यहाँ पर क्या बोला है, इसका कॉम्प्लीमेंट बोला है, क्या बोला है, इसका कॉम्प्लीमेंट बोला है, तो तब यहाँ पर वो क्या नहीं होगा, CFL के क्लोज्ड नहीं होगा, ठीक है, और इसलिए ये क्या हो जाता है, ये वाला ऑप्शन भी फॉल्स हो जाता है, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट ही क्लोज्ड नहीं है कॉन्टेक्स्ट फ्री में, तो माइनस आर करके हमें क्या मिलेगा, वो नहीं रहेगा क्लोज्ड, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 भी एलिमिनेट हो गया, बच क्या गया, ऑप्शन नंबर 3 जो हमारा आंसर होने वाला है। अब हम देख लेते हैं क्या बोल रहा है, L1 माइनस आर की बात किया है, L1 क्या है, कॉन्टेक्स्ट फ्री है, आर क्या है, तो रेगुलर है, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है, माइनस मतलब कि सेट डिफरेंस, हम जो चार्ट देखते हैं उसमें उस चीज़ को क्या बोला जाता है, माइनस नहीं बोला जाता है, सेट डिफरेंस बोला जाता है। तो L1 जो है, अब देखो जो रेगुलर है, चॉम्स्की हायरार्की आपको याद होगा, हायरार्की हमने प्रीवियस वाले में पढ़ा था, ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके वीडियोस देख सकते हैं। सबसे अंदर पहले क्या रहता है, जो टाइप 3 रहता है रेगुलर रहता है, फिर CFL रहता है, उसके बाद फिर CSL रहता है, उसके बाद फिर रिकर्सिव की बात आती है, ठीक है, इस तरीके से रहता है, फिर रिकर्सिव इनिमरेबल रहता है लास्ट में। तो यहाँ पर हमें इन दोनों का काम है, सबसे पहले आप देखो जो रेगुलर है वो क्लोज्ड है किसके अंदर, CFL के, एवरी रेगुलर लैंग्वेज क्लोज्ड होगा CFL के, क्लियर है, वो क्लोज्ड होगा। तो यहाँ पर सही बोल रहा है कि जो रेगुलर है वो क्लोज्ड है CFL के,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा हम लोग का, सही सी ऑप्शन आएगा। ठीक है, क्योंकि रेगुलर क्या है, क्लोज्ड है सीएफएल के, इसलिए जो डिफरेंस होगा, सेट डिफरेंस होगा, वो भी क्या हो जाएगा, सही होगा। मतलब उसी के कारण क्या हो जाता है, L1 माइनस R करने से, तो सेट डिफरेंस में R R निकल जाएगा, तो क्या मिलेगा, रेगुलर रेगुलर निकल जाएगा, सेट डिफरेंस करेंगे तो क्या बच जाएगा, कॉन्टेक्स्ट फ्री। इसलिए आंसर क्या आने वाला है, ऑप्शन नंबर 3 आने वाला है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है एक्सप्रेशन, ठीक है, जिसके लिए हमें स्ट्रिंग बनाना है, ग्रामर बनाना है स्ट्रिंग, ठीक है, और उसको फिर हम देखना है कि कौन सा करेक्ट है कि नहीं, ये हमें स्टेटमेंट दिया है। और देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सबसेट की बात किया गया है, ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको, ये सबसेट की बात किया है, एल एस सबसेट है एल आर का, मतलब एल आर में जो स्ट्रिंग है वही उसमें से कम जो स्ट्रिंग होंगे वो एल एस में भी है, मतलब उसका पार्ट है, एल एस क्या है, एल आर का पार्ट है, सबसेट की बात कर रहा है। क्लियर है, तो ये हमें देखना है। सबसे पहले हमें तीन चीज़ दिया गया है, एक आर दिया गया है एक्सप्रेशन, एक एस के लिए दिया गया है और एक टी के लिए दिया गया है। सभी के लिए हमें पहले निकाल लेना है स्ट्रिंग, अपना लैंग्वेज क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पर देखो हम बनाते हैं, तो सबसे पहले मैं आर के लिए बनाती हूँ, तो जब मैं आर के लिए बनाऊँगी तो क्या दिया है, ए ए प्लस बी का होल स्ट्रिंग, मतलब कि ये इसको किस नाम से जानते हैं हम लोग, क्लीन क्लोजर के नाम से जानते हैं। और क्लीन क्लोजर में याद रखिए, इसकी वैल्यू अगर हम जीरो रख दें, क्लीन क्लोजर में हमेशा याद रखना एप्सिलॉन होता है, ठीक है, क्लीन क्लोजर में एप्सिलॉन होता है। मतलब मैं इसे अगर इसकी वैल्यू R इक्वल्स टू A इंटू ए प्लस बी इस तरीके से है, अगर मैं पहले यहाँ ज़ीरो रख दूँ, मैं ज़ीरो वैल्यू रख सकती हूँ, ठीक है, क्लीन क्लोजर में, तो मैं इसमें ज़ीरो रखूँगी तो सबसे मिनिमम स्ट्रिंग क्या बनेगा, खाली A बनेगा, सिंपल क्या निकलेगा, A निकलेगा, ठीक है, ये। अब मैं अगर यहाँ वन रखूँगी तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन मैं ले सकती हूँ, ठीक है, तो मैं कैसे बना दूंगी, नेक्स्ट स्ट्रिंग डबल ए का आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ए बी का आ जाएगा। क्लियर, उसके बाद फिर अगर मैं लेना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए मैं यहाँ पर अगर टू रख देती हूँ, इसकी वैल्यू टू रखती हूँ, तो ये ट्रिपल ए आ जाएगा, फिर क्या आ सकता है, ए बी, और इसका मैं कैसा भी कॉम्बिनेशन ले सकती हूँ, ए बी बी ए इस तरीके से, तो नॉर्मल मैं ए बी ए ले सकती हूँ, ठीक, इस तरीके से आ सकता है। फिर कैसे ले सकती हूँ मैं, ए डबल बी ले सकती हूँ, इस तरीके से और भी स्ट्रिंग जनरेट हो जाएंगे, ठीक है, ये हमने बना दिया आर के लिए। अब वैसे ही एस के लिए बनाएंगे, तो एस के लिए जब बनाएंगे क्या दिया गया है, ए, फिर ए का क्लीन क्लोजर और फिर बी, इसके लिए भी निकाल लेते हैं। क्लीन क्लोजर मैं बोली ज़ीरो रख सकते हैं, तो जब हम अगर पहली वैल्यू ज़ीरो रखते हैं तो मिनिमम स्ट्रिंग क्या निकलेगा हम लोग का, यहाँ ए बी निकलेगा, फिर क्या निकलेगा, अगर मैं यहाँ वन रख दूँगी तो ए ए बी आ जाएगा, फिर मैं टू रख दूँगी तो ए ए ए और बी आ जाएगा, उसी तरीके से मैं थ्री रख दूँगी तो फोर ए आ जाएगा और बी आ जाएगा, तो इस तरीके से ऐसे करके हमारा निकलते जाएगा आगे स्ट्रिंग, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग टी के लिए देखते हैं, टी क्या बोला है हम लोग को, ए क्लीन क्लोजर बी के साथ, ठीक है, तो यहाँ पर ज़ीरो रखेंगे तो मिनिमम स्ट्रिंग बी आएगा, फिर मैं वन रख दूंगी तो ए बी आ जाएगा, फिर मैं टू रख दूंगी तो डबल ए बी आ जाएगा, फिर ट्रिपल ए बी, उसके बाद फिर एक और निकाल लेते हैं फोर टाइम्स ए और बी, तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हमने निकाल लिया क्या, सभी के लिए स्ट्रिंग निकाल लिया, ठीक है, एक्सप्रेशन से, रेगुलर एक्सप्रेशन से स्ट्रिंग, ये सारे रेगुलर एक्सप्रेशन है, ठीक है। क्वेश्चन में हमें बताना है कि अब सबसेट किसका किसका है, ये हमें बताना है। सबसे पहला हमें क्या बोला है, देखो पहला जो है स्टेटमेंट वो क्या बोल रहा है, एल एस जो है, ठीक है, एस वाला जो है वो सबसेट है आर का बोल रहा है, देख लेते हैं है कि नहीं, एस सबसेट है आर का। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ये ए बी यहाँ है तो यहाँ पर भी है, डबल ए बी है, ठीक है, तो यहाँ पर भी निकल सकता है हम लोग का डबल ए बी, जैसे अगर मैं यहाँ ले लेती तो ये डबल ए बी भी आ जाता, दो बार ए और एक बार मैं बी ले लेती कॉम्बिनेशन, क्योंकि हमें देना ही है, क्लियर, तो ये हो सकता था। फिर ट्रिपल ए बी भी वैसे निकल जाएगा, ठीक है, तो
इससे पता चल रहा है हम लोग का कि यहाँ पर देखो एक एक्स्ट्रा स्ट्रिंग है ए, ठीक, जो क्या हो रहा है इस एस वाले में नहीं है, बाकी सारे एस के सारे स्ट्रिंग इस आर वाले में है, लेकिन आर का एक जो है वो यहाँ नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, जो एस है वो सबसेट है आर का, ठीक है, एल एस में जो एस है वो सबसेट है किसका, आर का, क्लियर, ठीक। नेक्स्ट, फिर यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, इसको चेक करते हैं, ये तो ट्रू है, बैंड बोला है तो दोनों ट्रू होना चाहिए। इसको चेक करते हैं, एल एस सबसेट है बोल रहा है एल टी का, तो यहाँ पर देखो एल टी ये है और एल एस ये है। अब एल एस सबसेट है एल टी का, एल टी में क्या है, बी सिंगल बी है, फिर ए बी है, डबल ए बी, ट्रिपल ए बी, इस तरीके से, और एल एस में देखो क्या है, ए बी है, डबल ए बी, ट्रिपल ए बी, मतलब यहाँ से सेम स्ट्रिंग एस में भी है टी का, लेकिन बी नहीं है, मतलब बी वाला एक्स्ट्रा है यहाँ पर, तो किसका बड़ा हुआ, मतलब कौन बड़ा वाला पार्ट हुआ, टी वाला, और उसके अंदर उसका पार्ट कौन हुआ, सब पार्ट एस हुआ। तो यहाँ पर जो सेकंड था कि एल एस जो है वो सबसेट हुआ एल टी का, ठीक है, ये दोनों ही क्या हो गए, ट्रू हो गए, एंड बोला था, दोनों को सही करना था, दोनों ही सही हुए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने चेक कर लिया, तो फर्स्ट वाला तो करेक्ट है, सेकंड को देख लेते हैं, सेकंड क्या बोल रहा है, आर सबसेट है एस का बोल रहा है, अपोजिट बोल रहा है, जस्ट अभी हमने सॉल्व किया, एस सबसेट है आर का, आर में ज़्यादा स्ट्रिंग है, ठीक है, आर में ज़्यादा स्ट्रिंग है एस कंपेयर टू एस, तो सब पार्ट कौन हुआ, एस हुआ आर का, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, क्लियर। और यहाँ पर ठीक बोल रहा है, सेम इसी की जैसे बोल रहा है, एल एस सबसेट है एल टी का, ये ट्रू है, लेकिन हमें दोनों साइड एंड बोला है, मतलब दोनों साइड क्या होना था, ट्रू होना था, इसलिए ये वाला जो है वो गलत हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन क्या आने वाला, ओनली फर्स्ट इज करेक्ट। तो जब इस तरीके से आपको एक्सप्रेशन दिया रहेगा, तो पहले आप उसके लिए स्ट्रिंग जनरेट कर लीजिए, पहले मिनिमम से स्टार्ट करिए, दो चार इस तरीके से निकालिए, बन जाएगा, ईजी है, उसके बाद फिर देख लीजिए कि किस में कौन सा स्ट्रिंग नहीं आ रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ ए था और यहाँ नहीं है, मतलब ये पार्ट बड़ा हो गया और उसके अंदर वाला पार्ट कौन हो गया, एस हो गया, इसलिए एस सबसेट कहला रहा है आर का, क्लियर है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो डिसाइडेबिलिटी से पूछा गया। अब डिसाइडेबिलिटी में भी हमें एक चार्ट याद रखना है, जो कि डिसाइडेबिलिटी और अनडिसाइडेबिलिटी का चार्ट होता है, ठीक है, टेबल होता है, मेंबरशिप प्रॉब्लम, एम्प्टीनेस, फाइनाइटनेस, और ये सारी जो चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें हमें क्या करके रखना है, याद करके रखना है। अभी मैंने यहाँ पर कोई भी टेबल नहीं डाला है, इसके बाद वाले में हम जो है वो टेबल को यहाँ रखेंगे तो और सॉल्व हो जाएगा, तब तक आप अपना जो टेबल है उस चीज़ को याद करके रखिए। देखते हैं क्या बोल रहा है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम, कौन सा इसमें से प्रॉब्लम डिसाइडेबल है, किसके लिए, रिकर्सिव लैंग्वेज के लिए, ठीक है। यहाँ जो एल है, जितने भी एल है वो किसके लिए पूछा गया है, रिकर्सिव लैंग्वेज की बात किया है, तो रिकर्सिव लैंग्वेज के लिए कौन सा इसमें से डिसाइडेबल है वो हमें बताना है। सबसे पहला L इक्वल्स टू एम्प्टीनेस की बात की गई है, ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये वाला फर्स्ट जो ऑप्शन है, ठीक है, वो क्या बोल रहा है, एम्प्टीनेस की बात की गई है, किसकी बात की गई है, एम्प्टीनेस। जब हम डिसाइडेबिलिटी, हमें क्या करना है, हमें ये जो दिया गया है, जो भी स्ट्रिंग दे, मतलब क्या एक्सप्रेशन जो दिया गया है वो हमें याद रखना है कि किसके लिए पूछ रहा है, ठीक है, डिसाइडेबल में, तो यहाँ एम्प्टीनेस जो होगा वो इसके लिए होगा, तो डिसाइडेबिलिटी रिकर्सिव की बात की गई है, एम्प्टीनेस में नहीं होता है, अनडिसाइडेबल होता है, आप चार्ट में देख सकते हैं, क्लियर। ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हमें किसके लिए पूछा है, डिसाइडेबिलिटी के लिए पूछा है। सेकेंड, L इक्वल्स टू R की बात किया है, L क्या है, रिकर्सिव लैंग्वेज, R यहाँ पर क्या है, रेगुलर, R यहाँ पर क्या है, रेगुलर, तो इक्वेलिटी होगी क्या, नहीं होती है, क्या हो जाएगा रिकर्सिव के लिए, वो अनडिसाइडेबिलिटी, तो यहाँ हमें इसको क्या याद रखना है, इक्वेलिटी की बात किया गया है, ठीक है, इक्वेलिटी प्रॉपर्टी से रिलेटेड पूछा है, जो कि रिकर्सिव लैंग्वेज में अनडिसाइडेबल होता है, डिसाइडेबल नहीं होता, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट, W belongs to L की बात किया है, अब इसको क्या बोलते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं, तो वो होता है मेंबरशिप प्रॉपर्टी,
मेंबरशिप प्रॉपर्टी, ठीक है, या लैंग्वेज जो भी बोलो, मेंबरशिप प्रॉपर्टी। तो ये जो है वही सिर्फ क्या होता है, रिकर्सिव लैंग्वेज में डिसाइडेबल होता है, ठीक है, यही सिर्फ क्या होता है, डिसाइडेबल होता है। और बाकी सब जितने भी प्रॉपर्टीज़ होंगे रिकर्सिव लैंग्वेज के लिए वो सभी अनडिसाइडेबल होता है। सिर्फ फर्स्ट जो चार्ट है, जो टेबल है, उसमें आप पहले देखोगे, सबसे पहला जो होता है वो मेंबरशिप के लिए रहता है कि कोई जो डब्लू है वो स्ट्रिंग है वो उस लैंग्वेज में है कि नहीं, बिलोंग कर रहा है कि नहीं। तो रिकर्सिव के लिए बस यही एक प्रॉपर्टी क्या होता है, डिसाइडेबल होता है, बाकी सारे प्रॉपर्टीज अनडिसाइडेबल होते हैं। इसलिए आंसर क्या होने वाला है आपका, सी आंसर होने वाला है। फोर्थ जो ऑप्शन है वो किसके लिए बात कर रहा है, कम्प्लीटनेस प्रॉपर्टी के लिए बात कर रहा है, ठीक है, कम्प्लीटनेस। तो यहाँ पर हमें डिसाइडेबिलिटी अनडिसाइडेबिलिटी के लिए भी कुछ प्रॉब्लम्स है जो हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से उसे लिखा जाता है, क्योंकि वहाँ पर आपको लिख के नहीं देगा। हमें इसी तरीके से पहचानना है कौन सा एम्प्टीनेस है, कौन सा इक्वालिटी की बात कर रहा है, कौन सा मेंबरशिप की बात कर रहा है, कौन सा कम्प्लीटनेस की बात कर रहा है। तो ये सब चीज़ हमें पता होना चाहिए क्योंकि वहाँ लिखा हुआ नहीं आएगा, तो उसके लिए कैसे डिनोट किया जाता है वो हमें पता होना चाहिए। यहाँ डिसाइडेबिलिटी पूछा था, तो याद रखना रिकर्सिव जो है, रिकर्सिव लैंग्वेज, उसके लिए डिसाइडेबल कौन रहता है, सिर्फ मेंबरशिप प्रॉब्लम ये वाला, W belongs to L वाला, बाकी सारी प्रॉपर्टी अनडिसाइडेबल रहती, क्लियर है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हुआ, ऑप्शन नंबर 3 आएगा इसका आंसर। अगला देखते हैं, नेक्स्ट फिर से आपको इस स्टेटमेंट से रिलेटेड पूछा है, जहाँ पर आपको क्या बोला गया है कि वेदर अ फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा हॉल्ड ऑन ऑल इनपुट्स, क्या फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा जो है, जो हम फाइनाइट ऑटोमेटा बनाते हैं वो सभी इनपुट के लिए हॉल्ड होता है क्या, ये पूछ रहा है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, वेदर अ गिवन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज इज रेगुलर, क्या जो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है वो रेगुलर होगा, जो भी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज दिया गया है हम लोग को क्या वो रेगुलर होगा, इसकी बात कर रहा है। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, वेदर अ ट्यूरिंग मशीन कंप्यूट्स द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, क्या ट्यूरिंग मशीन कंप्यूट कर सकता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर को, पूछ रहा है, ठीक है, क्या। तो यहाँ पर हमें बताना है, अब देखो ऑप्शन से आपको पता चल रहा है अनडिसाइडेबिलिटी की बात कर रहा है, ठीक है, अनडिसाइडेबिलिटी की बात कर रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी जस्ट हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें मैं उसमें हायरार्की की बात की थी, अभी फिर से हायरार्की की बात करने वाली हूँ कि अंदर में सबसे पहले क्या रहता है, रेगुलर रहता है टाइप थ्री, फिर जो रहता है वो CFL रहता है, उसके बाद जो रहता है वो CSL रहता है, फिर रिकर्सिव, रिकर्सिव ई न्यूमरेबल, इस तरीके से चलता जाता है, ठीक है, ये होता है। यहाँ क्या बोला है देखो, सेकेंड वाला, वेदर अ गिवन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज इज रेगुलर, क्या कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज रेगुलर होगा, नहीं होगा, ठीक है, कोई भी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज रेगुलर होगा ये हम नहीं कह सकते, लेकिन रेगुलर सारे रेगुलर लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री हो सकते हैं वो हम ज़रूर कह सकते हैं, ठीक है, उसकी डिसाइडेबिलिटी है। लेकिन अनडिसाइडेबल किसके लिए है, कि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज रेगुलर नहीं होगा, वो क्या होता है, अनडिसाइडेबल होता है। इसलिए जो सेकेंड ऑप्शन है वो कहाँ आ जाएगा, अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम में आ जाएगा। थर्ड क्या बोल रहा है, ट्यूरिंग मशीन, ट्यूरिंग मशीन हम कहाँ यूज़ करते हैं, रिकर्सिव में, रिकर्सिव इनिमरेबल, ये दोनों के लिए यूज़ किया जाता है, हार्ड ट्यूरिंग मशीन, ट्यूरिंग मशीन, इस तरीके से वो कंप्यूट कर रहा है, बोल रहा है टू नंबर्स को। तो हमने देखा अभी डिसाइडेबल प्रॉपर्टी में हमने देखा था, क्या देखा था, कि रिकर्सिव के लिए सिर्फ मेंबरशिप प्रॉपर्टी जो होती है वही डिसाइडेबल होती है, बाकी जितनी भी प्रॉपर्टी होगी वो अनडिसाइडेबल होती है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बोला है, क्या कंप्यूट कर सकता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ट्यूरिंग मशीन, नहीं कर सकता, ये भी किसके लिए आ जाएगा, अनडिसाइडेबल के लिए आ जाएगा। अब सेकेंड और थर्ड का कॉम्बिनेशन का हमारे पास ये है ऑप्शन ए, क्या हमारे पास फर्स्ट के लिए भी अनडिसाइडेबल है वो हम चेक कर लेते, क्योंकि सेकेंड थर्ड तो हमें क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये भी है, ये वाला ऑप्शन, बाकी सब तो हट ही जाएगा, हट जाएगा मतलब कि यहाँ फर्स्ट है तो इसको भी हम चेक करना ही पड़ेगा कि अनडिसाइडेबल है कि नहीं। यहाँ क्या बोला है, कोई भी मशीन हॉल्ट करेगा जब सभी इनपुट के लिए, तो वो है क्या सही, हॉल्ट करेगा क्या, ऐसा पूछ रहा है। तो जो भी रेगुलर लैंग्वेज होंगे, ठीक है, उनके लिए जो भी एक्सप्रेशन होगा, ग्रामर होगा, उनके लिए जब वो सभी स्ट्रिंग, उस लैंग्वेज के सभी स्ट्रिंग पे इनपुट लेके हॉल्ट करता है तो फिर वो सही कहलाता है,
ठीक है, वो क्या होता है, डिसाइडेबल होता है, अनडिसाइडेबल नहीं, वो क्या होता है, डिसाइडेबल होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए, क्योंकि फर्स्ट क्या हो जाएगा, अनडिसाइडेबल, बाकी दो स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, सॉरी फर्स्ट क्या होगा, डिसाइडेबल, बाकी दो स्टेटमेंट जो होंगे सेकेंड थर्ड वो अनडिसाइडेबल की बात कर रहा था। क्लियर है? तो ये एक क्वेश्चन था, आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमें दिया गया है लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज दिया गया है और क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स की बात कर रहा है, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स, ठीक है, फाइनाइट ऑटोमेटा विच एक्सेप्ट द लैंग्वेज। ये आपको लैंग्वेज दिया गया है, पहले इससे आप स्ट्रिंग जनरेट कर लीजिए, फिर उसको हम ऑटोमेटा बना के देखेंगे और उसमें फिर कितने स्टेट्स में वो एक किसी भी इनपुट को एक्सेप्ट कर रहा है, होल्ड कर रहा है, उसकी बात हम करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, 2 का पावर n k, जहाँ पर बोला है k ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और n कोई सा भी नॉन नेगेटिव नंबर होना चाहिए, यही लिखा है, ठीक है। मान लीजिए हम लोग पहला एक लेते हैं कंडीशन, n की वैल्यू मैं 2 ले लेती हूँ, ठीक, n की वैल्यू हम फिक्स कर लेते हैं 2 के लिए, तो ये किस तरीके से हो जाएगा, 2 का पावर 2 और k, और मैं k की वैल्यू क्या ले लेती हूँ, 1, 2, 3 इस तरीके से, क्योंकि मुझे 0 से बड़ा लेना है और n की वैल्यू मैं फिक्स कर दी हूँ 2 से, तो यहाँ पर कैसा लैंग्वेज निकल जाएगा, अगर मैं k की वैल्यू जब 1 रखती हूँ तो ये 2 1 जा क्या हो जाएगा, 2, मतलब 2 का पावर 2, फिर अगर मैं k की वैल्यू 2 रखती हूँ तो नेक्स्ट मेरा क्या आएगा, 2 का पावर 4, फिर अगर मैं 3 रखती हूँ तो 2 का पावर 6, इस तरीके से चलता जाएगा। क्लियर? ये किसके लिए निकला, जब n की वैल्यू 2 है। अब इसका हम ऑटोमेटा बना के देख लेते हैं, ठीक है, फिर हमें स्टेट पता चल जाएगा। ऑटोमेटा बनाएंगे मतलब ये किस टाइप का बोल रहा है, 2 का पावर 2 यानी कि 4 लेके नहीं चलना है ना हमें, क्या होगा ये 2 का पावर 2 मतलब कि 2 को हमें करवाना है क्या, एक्सेप्ट कराना है, उसके लिए हम ऑटोमेटा बना सकते हैं कि नहीं वो देखना है। 4 बोला है मतलब 4 टाइम्स 2 होगा इस तरीके से, 6 बोला है मतलब 6 टाइम्स क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। तो चलो ऑटोमेटा बना के देखते हैं। Q0 मैंने ले लिया जो कि मेरा इनिशियल है, यहाँ से मुझे पहले हम 2 के लिए एक्सेप्ट कराते हैं, तो ये मैंने दे दिया 2 और वो कौन से स्टेट में पहुंचा, Q1 में, फिर एक और 2 दे दिया जो पहुंच गया सेकेंड स्टेट Q2 में, जिसको मैं बना दी क्या, फाइनल स्टेट। तो पहले वाला तो ये 2 एक्सेप्ट हो गया, मेरे को 4 टाइम 2 एक्सेप्ट कराना है तो कैसे हो जाएगा, 1 2, फिर मैंने ले लिया यहाँ 3 और फिर 4, 4 टाइम्स भी हो गया। 6 टाइम की बात करेंगे मतलब 6 टाइम 2 को एक्सेप्ट करना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 और फिर 6, क्लियर। तो यहाँ बस कितने स्टेट हुए, 3, ठीक है, कितने स्टेट हुए, 3 की बात हुई, ठीक है ना, सही बोल रहे हैं ना, मतलब n की वैल्यू अगर 2 है तो स्टेट कितना हुआ, 2+1 यानी कि 3, ठीक। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ऑप्शन, जैसे कि यहाँ पर आंसर आपको दिख भी रहा है, क्या है, n+1 है, ओके। एक और हम कंडीशन ले लेते हैं जहाँ मैं n की वैल्यू क्या ले लेती हूँ, 3 ले लेती हूँ। तो जब मैं अगर 3 लूँगी n की वैल्यू और k की वैल्यू 1, 2, 3 ही रखते हम लोग जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 का पावर 3 वन जा 3, फिर 2 का पावर 3 2 जा 6, उसी तरीके से 2 का पावर 3 जा 9, इस तरीके से आएगा, मतलब कि 3 टाइम्स 2 लेना है हम लोग को, 6 टाइम्स 2 लेना है, तो उसके लिए कैसे बनेगा ऑटोमेटा, इसके लिए भी चेक कर लेते हैं। Q0, ये पहला स्टेट, इनिशियल स्टेट, पहले फर्स्ट मिनिमम स्ट्रिंग कैसा बनना चाहिए, 3 बार 2 को एक्सेप्ट करना चाहिए, फिर 6 बार को एक्सेप्ट करना चाहिए इस तरीके से, फिर 9 टाइम्स एक्सेप्ट करना चाहिए। तो पहले हम 3 का करवाते हैं, ये 2 हुआ पहला स्टेट, इसमें चला गया, फिर एक 2 हमने लिया Q2 स्टेट, फिर हमने एक लिया Q3, ये 3 टाइम्स 2 और इसको मैंने बना दिया फाइनल, ये बन गया 3 टाइम 2 के लिए एक्सेप्ट। 6 टाइम कराना है तो ये 3, फिर क्या हो जाएगा,
ये 4, ये 5, ये 6। फिर जब 9 लेना रहेगा तो ये यहाँ तक 6 हुआ, फिर 7, 8, 9 ये भी एक्सेप्ट कर लिया। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर भी देखो n की वैल्यू 3 थी तो हमने 3 + 1 कर दिया, कितनी आ गई 4, है ना। जब 3 था n की वैल्यू तो कितने स्टेट आए 4, जब 2 था n की वैल्यू तो कितने स्टेट आए 3। वैसे हम n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो एक स्टेट बढ़ते जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, n + 1, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर है। तो ये एक क्वेश्चन था जो कि आपको लैंग्वेज दिया था, उस लैंग्वेज से पहले आपको स्ट्रिंग निकालना है, मिनिमम स्ट्रिंग। फिर उसके लिए ऑटोमेटा, क्योंकि पूछा था कितने नंबर ऑफ स्टेट बनने वाले हैं वो पूछा था, तो हमने ऑटोमेटा बनाया। 2 कंडीशन लिया, एक कंडीशन n = 2 लिया, एक कंडीशन n = 3, और दोनों के लिए ही हमने जो n + 1 वैल्यू निकाला है वो सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपको आंसर दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, देख लेते हैं कैसे ये आने वाला है। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, द ग्रामर एस, एक ग्रामर दिया है हम लोग को, इज नॉट सुइटेबल, किसकी बात कर रहा है, नॉट सुइटेबल फॉर प्रिडिक्टिव पार्सिंग टेक्निक। ठीक है, कौन सा सुइटेबल नहीं है इस ग्रामर के लिए, प्रिडिक्टिव पार्सिंग टेक्निक के लिए, ये ग्रामर किस चीज़ के लिए सुइटेबल नहीं है बोल रहा है, कौन सुइटेबल नहीं है, क्या ऑपरेटर प्रोग्राम ग्रामर, लेफ्ट रिकर्शन, एम्बिगुअस राइट रिकर्शन, किसकी बात कर रहा है। तो प्रिडिक्टिव पार्सर आपको याद होगा टॉप डाउन पार्सर की बात होती है, टॉप डाउन पार्सर के अंदर हमने देखते हैं ब्रूट फोर्स की बात करते हैं, ठीक है, एक प्रिडिक्टिव की बात करते हैं, ये होता है, बैक ट्रैकिंग और नॉन बैक ट्रैकिंग की बात होती है। बैक ट्रैकिंग के अंदर क्या होता है आपको याद होगा, ये हो गया टॉप डाउन पार्सर, ठीक है, इसके अंदर बैक ट्रैकिंग की बात होती है, ठीक है, और एक नॉन बैक विदाउट बैक ट्रैकिंग की बात होती है, विदाउट बैक ट्रैकिंग। फिर इसमें हम देखते हैं ब्रूट फोर्स की बात करते हैं, जहाँ हर पॉसिबल चीज़ को आप अप्लाई करके देखो, ठीक है, इसमें हम देखते हैं क्या, प्रिडिक्टिव इसके अंदर, मतलब विदाउट बैक ट्रैकिंग के अंदर हम लोग देखते हैं प्रिडिक्टिव पार्सर, और प्रिडिक्टिव पार्सर में ही फिर क्या देखते हैं हम लोग, LL1 पार्सर की बात करते हैं, ये टॉप डाउन का है। क्लियर है। तो जो चीज़ ज़रूरी है वो मैंने लिखा है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम यहाँ बोल रहा है कि इस प्रिडिक्टिव पार्सर के लिए क्या चीज़ सुइटेबल नहीं है, जो दिया गया है उनमें से कौन सा सुइटेबल नहीं है। तो हमेशा याद रखना जो प्रिडिक्टिव पार्सर होता है वो अनएम्बिगुअस ग्रामर के लिए काम करता है, अनएम्बिगुअस ग्रामर, ठीक है, अनएम्बिगुअस ग्रामर के लिए काम करता है। इसका मतलब हमें ये ग्रामर चेक करना पड़ेगा कि वो अनएम्बिगुअस है कि नहीं, ठीक है, एम्बिगुअस तो नहीं है। अगर एम्बिगुअस होगा, मतलब कैसे पता चलेगा कि हम एक स्ट्रिंग लेंगे और वो स्ट्रिंग जब दो अलग अलग ट्री से डिनोट होके आएगा, आउटपुट निकल के आएगा वो स्ट्रिंग, तो वो एम्बिगुअस कहलाएगा। तो एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए, और अगर है मतलब वही क्या होगा, नॉट सुइटेबल होगा प्रिडिक्टिव पार्सर के लिए। तो आपको आंसर तो वैसे दिख गया है, हम लोग बना के देख लेते हैं। तो जैसे कि जैसे मैंने ले लिया क्या, एस से हो गया हमारा SS, ठीक है, फिर मैं ले ली SS और ये निकल गया क्या, इसको हम एप्साइलन ले लिए, ये भी एप्साइलन हो गया, ये भी एप्साइलन हो गया, और क्या ऐसी एप्साइलन हम दूसरे ट्री से ला सकते हैं क्या, ला सकते हैं, ये हो गया SS, फिर हमने यहाँ पर से भी SS ले लिया, ये हो गया एप्साइलन, ये भी एप्साइलन और ये भी एप्साइलन, दो अलग अलग ट्री है और स्ट्रिंग सेम लेके आ रहा है, मतलब ये कैसा है, एम्बिगुअस है। और हमेशा याद रखिए प्रिडिक्टिव पार्सर किस पे वर्क करता है, अनएम्बिगुअस पे वर्क करता है, विथ लेफ्ट फैक्टरिंग और विदाउट बैक ट्रैकिंग के साथ। क्या याद रखना है प्रिडिक्टिव पार्सर के साथ, एक तो वो अनएम्बिगुअस पे ग्रामर पे वर्क करेगा, ठीक है, और विथ लेफ्ट फैक्टरिंग होगा इस प्रिडिक्टिव पार्सर में, और क्या नहीं होगा, विदाउट बैक ट्रैकिंग। ये तीन पॉइंट हमें याद रखने हैं किसके लिए, प्रिडिक्टिव पार्सर के लिए, जो किसके अंदर आते हैं, टॉप डाउन पार्सर, ठीक है, टॉप डाउन पार्सर। तो क्या आ जाएगा आंसर, एम्बिगुअस।
ठीक, क्योंकि ग्रामर क्या नहीं होना चाहिए, एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, अनएम्बिगुअस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमें लैंग्वेज दिया और इसके लिए ये लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री है कि नहीं वो हमें बताना है। ठीक है, दो लैंग्वेज दिया है और दोनों लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री, कौन सा कॉन्टेक्स्ट फ्री है, दोनों है, कोई एक है, ये हमें बताना है। तो इसको हमें पहले स्ट्रिंग निकालना पड़ेगा मिनिमम। तो देखो सबसे पहले हम L1 के लिए देखते हैं ना, L1 क्या बोल रहे हैं, किस तरीके से दिया। देखो a का पावर n प्लस m दिया है, फिर b का पावर n, a का पावर m दिया है। इसको मैं तोड़ के लिख सकती हूँ और स्प्लिट कर सकती हूँ। कैसे स्प्लिट कर दूंगी, a का पावर n और a का पावर m। तो जब बेस सेम रहता है तो हम उसके पावर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, है ना, यही बात होती है ना। जब बेस सेम रहते उसके पावर को हम ऐड कर देते हैं। तो जब मैं उसको वापस लिखना चाहूँ तो n प्लस m में लिख सकती हूँ, कोई गलत नहीं है अगर मैं वैसा स्प्लिट कर दी तो। आगे क्या है, b का पावर n और फिर a का पावर m, इसी तरीके से दिया है। और यहाँ बोला है कि n और m की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। मान लीजिए मैं n की वैल्यू 2 लेती हूँ और m की वैल्यू 3 ले रही हूँ, ठीक है, तो मेरा मिनिमम स्ट्रिंग क्या क्या निकलेगा, a a निकलेगा, m की वैल्यू 3 है तो 3 बार a लूँगी, फिर b 2 बार क्योंकि ये n है, और फिर a 3 बार, ये सबसे मिनिमम स्ट्रिंग। ठीक है, हम एक ही निकालते हैं। अब हमें कॉन्टेक्स्ट फ्री, मैंने कल वाला जो था हमारा वीडियो, इससे पहले वाला 18 जून का, उसमें भी मैं बताई थी कि कॉन्टेक्स्ट फ्री के लिए हमें क्या करना पड़ता है, PDA निकालना पड़ता है। ठीक है, मतलब एक स्टैक हम यूज़ करेंगे और उस स्टैक में हम क्या करेंगे, इन सभी चीज़ों को डालेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। और अगर ये स्टैक जब एट लास्ट फाइनल खाली हो जाएगा, सारे एलिमेंट्स पॉप हो जाएंगे, मतलब वो सही है, वो जो लैंग्वेज है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री होगा। इसके लिए हम बना के देखते हैं। सबसे पहले क्या बोला है, 4a को हम घुसा, देखो कंपेयरिंग किसके साथ होगा, इस a का इस b के साथ कंपेयरिंग, nn वाले का कंपेयर करते हैं और mm वाले का कंपेयर करते हैं, क्लियर। तो पहले n की वैल्यू क्या है, 2 है। हमने देखो जैसे ही हमने पहले 2a को घुसाया, मतलब पुश किया, जितने नंबर ऑफ a हैं, ठीक है, फिर जितने नंबर ऑफ a आएंगे उसको भी पुश करेंगे, जैसे ही नंबर ऑफ b आएंगे हम इनके किसको, इस वाले a ऑफ n को इस वाले b ऑफ n के साथ कंपेयर करें, तो जैसे ही b आएगा हम ये इतने वाले, मतलब n की जितनी वैल्यू होगी 2, तो 2a को हम पॉप कर देंगे। कैसे, जैसे सबसे पहले तो हमें b तक के क्या करना है, सारे एलिमेंट को पुश करना है, तो कितने बार यहाँ 3, 2, 5 टाइम्स तो a है, पहले पुश कर दो, 1, 2, 3, 4, 5 5 टाइम्स a हो गए, ठीक है। तो जैसे ही b आया तो 2b आया ना, जितने नंबर ऑफ b आए हैं आपके, जितने नंबर ऑफ a's हैं उसको पहले आप हटा दीजिए, जितने नंबर ऑफ b's आए हैं उतने a को हटाना है। तो ये एक हट गया, पॉप हो गया, ये भी एक पॉप हो गया, तो ये जो bb और ये जो a है वो हो गए, आउट हो गए। अब नेक्स्ट, फिर जितने नंबर ऑफ a आ रहे हैं उतने नंबर ऑफ a को यहाँ से पॉप कर दो, पहला a आया पॉप हो गया, फिर दूसरा a आया ये भी पॉप हो गया, फिर तीसरा a आया ये भी पॉप हो गया। अभी अब स्टैक में कुछ है क्या, नहीं है, खाली है, इसका मतलब PDA क्या हुआ, सही से तरीके से एग्जीक्यूट हुआ, खाली हो गया, मतलब जो L1 है वो क्या है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, क्योंकि इसके लिए हमने PDA मशीन बनाया और वो एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, एक और चीज़ आपको याद रखना है उसी तरीके से, अच्छा चलो ठीक है, CFL तो सॉरी L1 जो है वो CFL तो बन गया। सेकेंड वाला देखो, लैंग्वेज सेकेंड क्या बोल रहा है, इसको भी मैं इसी तरीके से स्प्लिट करके लिख सकती हूँ, तो मैं यही लिख देती हूँ, क्या हो जाएगा, a का पावर n, a का पावर m, फिर b का पावर n, b का पावर m, फिर a का पावर n और a का पावर m, इतने सारे आ गए लैंग्वेज। n और m सेम इसी के जैसे लिया है, 2 और 3 हम ले सकते हैं, सेम भी ले सकते हैं, 2 और 3 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहाँ कंपेयरिंग किसके किसके साथ होगा, जब ये वाला जो a है वो कैसे पॉप होगा, जब इतने नंबर ऑफ b's आएंगे तो, मतलब n और n वाला एक बार ये कंपेयर होगा, एक बार ये कंपेयर होगा और फिर ये वाला कंपेयरिंग होगा। ठीक है, मतलब देखो यहाँ
दो से ज़्यादा कंपेयरिंग हो रहा है। अब दो से इतना तक के हमने तो कर दिया, क्या पीडीएफ बनाएंगे तो वो सॉल्व हो जाएगा? ये तो सेम है ना, यहाँ तक का सेम है ऊपर वाले लैंग्वेज, लेकिन ये ए का पावर एन और ए का पावर एम बच जाएगा जिसको हम लोग नहीं कर सकते, वो पुश्ड पीडीएफ में रह जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, सीएफएल नहीं होगा, क्योंकि हम उसको एक स्टैक से, एक स्टैक मेमोरी से, एक मेमोरी से हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते, उसके लिए हमें एक और मेमोरी लगाना पड़ेगा, तो फिर वहाँ पर वो क्या हो जाएगा, सीएसएल हो जाएगा। ठीक है, कैसा लैंग्वेज होगा, सीएसएल। इसका मतलब जो फर्स्ट है L1 वही सिर्फ क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट फ्री होगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो L1 है वही सिर्फ क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट फ्री होगा। एक और तरीका है सिंपल समझने का कि जब अगर हमें दो बार कंपेयरिंग लगेगी, जैसे यहाँ वन टाइम कंपेयर हुआ L1 में और ये सेकेंड टाइम कंपेयर हुआ, ठीक है, तो वो CFL होगा। टू कंपैरिजन मतलब CFL लैंग्वेज, टू से ज़्यादा कंपैरिजन, यहाँ वन टाइम कंपैरिजन हुआ, यहाँ टू टाइम कंपैरिजन हुआ, फिर भी बच गया, ठीक है, तो वो यहाँ पर क्या हो गया, थ्री टाइम कंपैरिजन। तो जब थ्री टाइम कंपैरिजन होगा तो फिर वहाँ क्या होगा, CSL होगा। क्लियर, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट जो बोल रहा है वो क्या है, हमें ग्रामर दिया है और फिर देखो क्या बोल रहा है, ग्रामर तो दिया है वो हमको दिख गया, फिर यहाँ बोल रहा है कि ऐसे भी, मतलब जितने भी जो वो रहते हैं ना कैपिटल लेटर्स वाले रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, नॉन टर्मिनल कहलाते हैं, यहाँ TOC के लैंग्वेज में नॉन टर्मिनल, और जो स्मॉल लेटर वाले रहते हैं उसको हम टर्मिनल बोलते हैं। तो स्ट्रिंग हमारा जो आउटपुट हमारा होता है स्ट्रिंग, वो स्मॉल टर्मिनल पे ही मतलब टर्मिनल पे ही निकलता है स्मॉल लेटर्स वाले। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है, पहला क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट 1, LR1 कैन पार्स ऑल स्ट्रिंग दैट आर जनरेटेड यूजिंग ग्रामर जी। ये जो ग्रामर जी है उसमें से हम कोई स्ट्रिंग निकालेंगे और उनको वो पार्स कर लेगा, कौन, LR1 बोल रहा है। वैसी सेकेंड स्टेटमेंट, LL1 कैन पार्स ऑल द स्ट्रिंग दैट आर जनरेटेड यूजिंग ग्रामर जी। क्लियर, उसके लिए तो यहाँ पर देखो सबसे पहले, क्योंकि ये ग्रामर जी से जो भी स्ट्रिंग निकलेगा उसी को ही पार्स करके जाएगा बोल रहा है, हम पहले स्ट्रिंग निकाल लेते हैं। अब जैसे मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, ये स्ट्रिंग आप जैसे देख रहे हो, इस ग्रामर से आपको पता चल रहा है कि जो सी है स्ट्रिंग, सी स्ट्रिंग वो दो ट्री से हम निकाल सकते हैं। कैसे, सबसे पहले तो हमने बना दिया, दो डेरिवेशन से निकाल सकते हैं, जैसे मैंने ले लिया एस से ए और ए से सी। क्लियर, एक बन गया एस से ए और ए से सी। एक में कैसे बना सकती हूँ, एस से बी और बी से सी, एस से बी फिर बी से सी। तो मतलब एक ही स्ट्रिंग दो अलग अलग डेरिवेशन से बन के आ रहा है, तो ये किस टाइप का ग्रामर हुआ, एम्बिग्वेस। किस टाइप का ग्रामर हुआ, एम्बिग्वेस। क्यों एम्बिग्वेस हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रिंग था, जो हमारा आउटपुट था स्ट्रिंग सी, वो क्या हुआ, दो अलग अलग डेरिवेशन से निकल के आया। तो जब टू और मोर डेरिवेशन बनते हैं किसी भी सिंगल स्ट्रिंग के लिए, इनपुट स्ट्रिंग के लिए, आउटपुट स्ट्रिंग के लिए, तो फिर वो एम्बिग्वेस कहलाता है। और हमेशा याद रखिए LR1 जो कि बॉटम अप पार्सर की बात करता है, ठीक है, LR1 यानी LRK की बात कर रहा है। LRK किसके अंदर आता है, बॉटम अप पार्सर का टाइप है, वो हमेशा किस पे वर्क करता है, तो अनएम्बिग्वेस वर्क के ग्रामर पे वर्क करेगा, अनएम्बिग्वेस ग्रामर पे, ठीक है। पर ये ग्रामर कैसा निकला, एम्बिग्वेस निकला, तो L1 क्या हो गया, नॉट करेक्ट, फॉल्स हो गया, मतलब सही नहीं है। सेकेंड देखते हैं LL1 किसका पार्ट है, टॉप डाउन पार्सर। अभी हमने एक बनाया था ट्री जिसमें मैंने टॉप डाउन लिखा था, विथ बैक ट्रैकिंग, विदाउट बैक ट्रैकिंग, बैक ट्रैकिंग के अंदर ब्रूट फोर्स, विदाउट बैक ट्रैकिंग के अंदर प्रिडिक्टिव पार्सर, और प्रिडिक्टिव पार्सर के अंदर फिर हम क्या बताए थे, LL1 को बताए थे। तो प्रिडिक्टिव पार्सर किस में वर्क करता था, अनएम्बिग्वेस, तो LL1 भी किस में वर्क करेगा, अनएम्बिग्वेस में ही वर्क करेगा। पर ये ग्रामर कैसा निकला, एम्बिग्वेस, इसलिए ये जो दोनों ही स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे, तो नाइदर S1 करेक्ट है नॉर S2 करेक्ट है। क्लियर है, ये जो क्वेश्चन था वो लास्ट था दिसंबर 2018 के लिए।
तो यहाँ पर हमने जैसे देखा ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन आया, और प्रीवियस वाले जो था हमारा सेशन उसमें हमने देखा था हायरार्की से पूछा था, चॉम्स्की नॉर्मल हायरार्की, डिसाइडेबिलिटी अनडिसाइडेबिलिटी टेबल हमें याद होना चाहिए, क्लोजर प्रॉपर्टी टेबल हमें याद होना चाहिए, लैंग्वेज कैसे होता है, कैसे हम उसको बता सकते हैं कि ये कौन सा लैंग्वेज है, ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। जब टू कंपेरिजन होगा लैंग्वेज में तो वो क्या होगा, सी एफ एल, थ्री होगा टू से ज़्यादा कंपेरिजन होगा मतलब तो सी एस एल, ठीक है। तो ये सारी किस टाइप के ग्रामर को हम एम्बिग्वेस बोलते हैं, कौन सा एम्बिग्वेस पे वर्क करता है, कौन सा अनएम्बिग्वेस पे वर्क करता है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमें याद होना चाहिए, और इसी से ही टी ओ सी के प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो आज का जो सेशन था वो यहीं पर कंप्लीट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन सब्जेक्ट्स, बहुत इससे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो इस पर हम प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि ये बीच में छूटता है तो फिर बहुत प्रॉब्लम करता है, तो आप इस पर प्रैक्टिस करते रहिए, नए नए क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए, और आज के वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।